नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल, और काल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे भूतकाल। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूतकाल, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि भूतकाल की डिफिनेशन क्या होती है। हमेशा याद रखिएगा, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। याद रखिएगा, भूतकाल के पांच भेद होते हैं मोस्टली। हम आज लेकिन आपको पढ़ाएंगे भूतकाल के कितने भेद, छह भेद पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप नालंदा की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको कितने भेद मिलेंगे? छह भेद मिलेंगे आपको। सबसे पहले सामान्य भूत, इसके बाद आसन्न भूत, फिर पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूत। तो जानेंगे कौन कौन सी डिफिनेशन, और बेसिकली ट्रिक के माध्यम से आज आप पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी ट्रिकें हैं जिससे आप आसानी से समझ सके कि सामान्य भूत कौन सा होता है, आसन्न भूत कौन सा होता है, पूर्ण अपूर्ण भूत कौन सा होता है। इस तरीके की बेसिकली ट्रिक से आप जान जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सामान्य भूत, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर एक पर आता है, हम पढ़ने जा रहे हैं भूतकाल। याद रखिएगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? भूतकाल। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है सामान्य भूत। सामान्य भूत याद रखिएगा, सब ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ेंगे। सामान्य भूत की डिफिनेशन क्या होती है? जहां पर विशेष समय का ज्ञान होता है, याद रखिएगा, जहां पर विशेष समय का ज्ञान होता है उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। और अंत में आपको स्वर जरूर मिलेगा इसमें, जहां पर, याद रखिएगा, जहां पर विशेष समय का ज्ञान हो, विशेष समय का ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामान्य भूत कहते हैं, ठीक है। सामान्य, अंत में आपको स्वर जरूर मिलेगा, याद रखिएगा, अंत में आपको इसमें क्या मिलेगा? यह सबसे इसकी खास बात है कि अंत में आपको स्वर जरूर मिलेंगे इसमें। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से आप देख लेंगे, जैसे मोहन आया, उसने नहाया, सीता गई। तो यहां पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मोहन, मोहन आया है ना। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे सीता, सीता गई। फिर इसके बाद क्या है? और हमने आपको बताया, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, उसने नहाया, उसने नहाया, उसने नहाया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, कई बार एग्जामों में आते हैं। इसके बाद आसन्न भूत दूसरे नंबर पर देखेंगे। ये तो हो गया आपका पहला नंबर, हम आपको पढ़ाएंगे छह भेद टोटल, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है आसन्न भूत। आसन्न भूत, सबसे पहले तो जानेंगे कि आसन्न का मतलब क्या होता है। तो आसन्न का मतलब होता है पास, याद रखिएगा, आसन्न का मतलब क्या होता है? पास होता है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि आसन्न का मतलब क्या होता है। तो आसन्न का मतलब क्या होता है? पास होता है। तो हम आपको इसमें बताएं, क्रिया की समाप्ति है ना, एकदम तत्काल सूचित होती है। आपको लगेगा कि क्रिया अभी भी अभी तुरंत समाप्त हुई है, ठीक है। पास में बिल्कुल आपको लगेगा कि क्रिया की जो समाप्ति है वो तत्काल आपको सूचना देगी कि क्रिया अभी समाप्त हुई है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि क्रिया की समाप्ति, क्रिया की समाप्ति तत्काल सूचित होती, याद रखिएगा, कहां पे? तत्काल सूचित होती, तत्काल, या भी कह सकते हैं पता चले, सूचित हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? आसन्न भूत होता है, याद रखिएगा, वहां पर क्या होता है? आसन्न भूत होता है। तो अच्छा, इसमें इसकी खास बात क्या है? इसकी भी खास बात है कि इसमें आपको क्या मिलेगा? आ मिलेगा, ई मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। आ, ई, ए था, जैसे कुछ देखेंगे, जैसे आ था, ई था, ई था, है ना, ये आपको लास्ट में जरूर मिलेगा। आ था, ई था, ए था, है ना, इस तरीके से आपको उदाहरण मिलेंगे महत्वपूर्ण, है ना। ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए था, इस तरीके के आपको उदाहरण जरूर मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरीके के आपको उदाहरण मिलते हैं। तो जैसे पिताजी ने फल खाए, है ना, मैंने फल खाया,
इस तरीके से कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे पिताजी ने फल खाया, ये याद रखिएगा, जैसे पिताजी ने फल खाया, देखेंगे उदाहरण, पिताजी ने फल खाया, फल खाया है ना, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, पिछले 10 सालों में पूछे गए उदाहरण है। मैंने फल खाया, जैसे मैंने फल खाया, ठीक, ये महत्वपूर्ण उदाहरण। मैं चला हूं, इस तरीके के उदाहरण आपको मिलेंगे। लगेगा कि जो क्रिया है अभी बिल्कुल क्या है, तत्काल खत्म हुई है या तत्काल पूरी तरीके से आपको उसकी खत्म होने की सूचना आपको मिलेगी। इतनी बात क्लियर। इसके बाद पूर्णभूत आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, पूर्णभूत, 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 पूर्णभूत की डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों, क्रिया की समाप्ति क्या होता है का स्पष्ट बोध होता है, कि लगेगा कि क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्णभूत कहते हैं। याद रखिएगा पूर्णभूत, इसमें आपको उदाहरण में चुका था, चुके थे, इस तरीके से आपको उदाहरण मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा चुका था, चुके थे, ऐसे मिलेगा, जैसे चुका था, चुके थे, चुके थे। तो यहां पर क्या आपको इससे पता चलेगा कि क्रिया पूरी तरीके से क्या है, समाप्ति हो चुकी है। जैसे उसने मोहन को मारा था, ठीक है, वह आया था, इस तरीके के उदाहरण मिलेंगे, जैसे उसने मोहन को, मोहन को मारा था, है ना, उसने खाना खाया था, इस तरीके के उदाहरण मिलेंगे, जैसे उसने खाना खाया था, वह गया था, वह आया था, इस तरीके के ढेर सारे उदाहरण आपको किसके मिल जाएंगे, पूर्णभूत के मिल जाएंगे। आप इसको अपनी कॉपी पर लिखें, इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। तो आप इसको कॉपी पर अपनी लिखें, इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अपूर्णभूत, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पर लिख लें, उदाहरण जरूर भाई साहब, उदाहरण जरूर लिखें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अपूर्णभूत क्या होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक। इसके बाद देखेंगे अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको बताएं अपूर्ण भूत क्या होता है, तो क्रिया भूतकाल में हो रही होती है लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है। याद रखिएगा क्रिया भूतकाल में हो रही होती है लेकिन उसकी समाप्ति का बिल्कुल नहीं पता चलता है, उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। तो इसका जो ट्रिक है, याद रखिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे रहा था, रहा था, रही थी, याद रखिएगा रही थी, इस तरीके रहे थे, रहे थे, ये ट्रिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस बेसिकली ट्रिक के माध्यम से आप जान जाएंगे कि आपको पहचानना कैसे है, ठीक है, पहचानना कैसे। तो इसका उदाहरण जैसे सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है, इसका उदाहरण क्या मिलेगा आपको, जैसे सुरेश, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है। तो इसे पता है गा रहा था, तो इससे क्रिया की समाप्ति का पता नहीं चला कि क्रिया समाप्त हो गई है कि अभी समाप्त नहीं हुई है। वह सो रहा था, जैसे वह सो रहा था, वह सो रहा था, ठीक, ये महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संदिग्ध भूत, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, संदिग्ध भूत। ये तो हो गया नंबर 4। इसके बाद नंबर पांच क्या है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है कि यहां पर संदेह बना रहता है क्रिया की समाप्ति में या क्रिया के होने में, क्या है, संदेह बना रहता है। तो आपको बताएं भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पूरी तरीके से पता नहीं चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं। तो यहां पर क्रिया की समाप्ति में क्या है, याद रखिएगा, क्रिया की समाप्ति में, क्रिया की समाप्ति में,
समाप्ति में संधि बना है, संधि बना रहता है। तो यहां पर क्या है, क्रिया की समाप्ति में संदेह बना रहता है, उसे हम संदेह संदेह भूतकाल कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, इसमें हम आपको बताएं, एक छोटा सा आ होगा, ए होगा, तो यहां पर जो इसका ठीक है वो क्या होगा, आ होगा, आ होगा या ए होगा, ये उदाहरण है। जैसे वे गए होंगे, है ना, तो यहां पर जैसे वे गए होंगे, ये छोटा सा उदाहरण आपको पता चला होगा कि यहाँ पे वे गए होंगे, यहाँ पर क्रिया की समाप्ति हुई या नहीं हुई उसका पता चल रहा है, इसीलिए क्या, इसीलिए इसको हम संदिग्ध भूत कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे उसने खाया होगा, है ना, या वे, या हम कह सकते हैं उसने खाया होगा, उसने खाया होगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में देखिए ए होंगे हमने बताया था, या आ होंगे, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। इसके बाद हेतु हेतु मद होगा, तो यहां पर भूतकाल में क्रिया हो रही होगी लेकिन किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हुई होगी, ठीक है। याद रखिएगा, हेतु हेतु मद में क्या होता है, लास्ट है ये आपका हेतु हेतु मद भूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई या संपन्न नहीं हुई। याद रखिएगा, यहां पर हेतु हेतु मत का मतलब होता है कारण, किसी कारणवश क्रिया संपन्न भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश क्रिया संपन्न नहीं हो पाई, है ना। जैसे मैं तुम्हारी शादी में आता, जैसे मैं तुम्हारी शादी में आता, मैं पढ़ता, तुम खेलते, इस तरीके के उदाहरण। जैसे मैं तुम्हारी शादी में, तुम्हारी शादी में आता, है ना, तुम खेलते, इस तरीके के उदाहरण, है ना। जैसे तुम खेल, मैं पढ़ता, उदाहरण देख लेंगे, मैं पढ़ता, है ना। यहां पर आपको पता चला कि मैं तुम्हारी शादी में आता, यहां पर देखिए क्रिया किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाई, किसी न किसी कारण के वश संपन्न नहीं हो पाई। जैसे मैं पढ़ता, है ना, तो यहां पर लग रहा है कि क्रिया क्या है, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाई। तुम खेलते, तो यहां पर कोई ना कोई कारण है कि तुम खेलते, यहां पर पूरी तरीके से क्रिया नहीं हो पाई, याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको सामान्य भूत बताया, आसन्न भूत बताया, पूर्ण भूत बताया, अपूर्ण भूत बताया, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूत बताया। तो ये रहा भूतकाल का वीडियो। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भविष्यकाल का मिलेगा, याद रखिएगा, भविष्यकाल का मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।